रंगों से सरोबार होली के त्योहार पर उदयपुर टुडे न्यूज चैनल लाया है यह होली शहीदों के नाम। वर्तमान में राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता एवं गौरव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खंडित कर युवा पीढ़ी को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दौर में हमारी युवा पीढ़ी राष्ट्र के गौरव, स्वाभिमान के रक्षार्थ अपना सर्वस्व त्याग करने वाले शहीदों के शौर्य से अवगत हो सके, इसी निमित्त उदयपुर टुडे यह विशेष कार्यक्रम लाया है। जिन ज्ञात एवं अज्ञात शहीदों की शहादत के कारण हमें सुख सुविधाओं से परिपूर्ण आजादी का आंगन नसीब हुआ, जिनकी शहादत ने देश के लोकतांत्रिक ढांचे, राष्ट्र की अखंडता एवं संप्रभुता को संरक्षण प्रदान किया, जिनका परिवार भी मां भारती के आत्मगौरव को अक्षुण रखने के लिए अपने निजी हितों का त्याग कर राष्ट्र के साथ सदैव खड़ा रहा, कभी कोई शिकायत नहीं की, तमाम किंतु परंतु के बाद भी राष्ट्र से कभी कुछ मांगा नहीं, राष्ट्र हित को ही सदैव अपना कर्म धर्म के रूप में निभाते रहे, ऐसे मां भारती के वीर सपूतों एवं उनके परिवारों के अतुल्य साहस एवं त्याग को नमन करने के लिए उदयपुर टुडे लाया है यह विशेष कार्यक्रम। यह होली शहीदों के त्याग, उनकी शौर्य गाथा एवं राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगी हो, इसी निमित्त इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने दर्शकों को शहीदों एवं उनके परिवार एवं सिपाहियों से परिचय कराने का प्रयास करेंगे। तो आइए करते हैं राष्ट्र वंदना। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय हिंद। जिन शहीदों की शहादत से चमन है राष्ट्र हमारा, ऐसे शहीदों के अतुल्य साहस एवं बलिदान को नमन है हमारा। उदयपुर टुडे के विशेष कार्यक्रम यह होली शहीदों के नाम के अंतर्गत आज हम आए हैं उदयपुर के शहीद अभिनव नागौरी के निवास पर। अभिनव नागौरी जो भारतीय नौसेना में पायलट के पद पर तैनात थे, 27 मार्च 2015 को उन्होंने गोवा से मैंगलोर तक अपनी उड़ान भरी थी और पुनः मैंगलोर से गोवा की ओर आने पर लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर कुछ तकनीकी खामी के कारण वो विमान समुद्र में गिर पड़ा और वहीं पर उनके दो साथियों के साथ उन्होंने शहादत को प्राप्त की। अभी हमारे साथ में शहीद के पिता श्रीमान धर्मचंद जी नागौरी और उनकी माता श्रीमती सुशीला जी नागौरी हैं। हम शहीद अभिनव नागौरी के पूरे जीवन के बारे में हम उनके माता पिता से प्रयास करेंगे बताएं। अभिनव का जन्म कानोर, जो उदयपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर है, वो हमारी भी जन्मभूमि वही रही और उसका ननिहाल भी वहीं है। तो कानोड़ में उसका जन्म हुआ, 30 जुलाई 1990 को उसका जन्म हुआ था। और जब उसका जन्म हुआ तो चूँकि हमारे घर में पहले दो लड़कियां थी और उसके बाद ये 8 साल बाद अभिनव आया, तो परिवार में स्वाभाविक है कि अपने यहाँ पर लड़कियां होती तो भी खुशी तो पूरी खुशी होती है, लेकिन लड़का आने पर भी उसकी अभिव्यक्ति कुछ अधिक ही होती है। तो वो आया तो परिवार में काफ़ी प्रसन्नता का माहौल था और उसी प्रसन्नता के माहौल में ही वो बड़ा हुआ। अपने ननिहाल में 5 वर्ष तक का था तब तक वो नानी के पास ही बड़ा हुआ और नानी भी उसको बराबर संभाले रखती थी। नाना जी उसके स्वर्गीय भंवरलाल जी डूंगरवाल, जो स्वयं स्वतंत्रता सेनानी थे, तो चूंकि वो भी बुजुर्ग ही थे तो वो उस समय बराबर वो नाना और नानी उनको संभाला करते थे। और जो बचपन में जो संस्कार उसमें जन्म से ही आए वे सब देश प्रेम के थे। और नाना जी की वो खादी की टोपी और वो खादी की ड्रेस और उनको जब पहने देखता तो उसको बहुत प्रसन्नता होती थी। और नाना जी से भी कई सारे सवाल करता था कि भई आप जेल में रहे कैसे रहे, जेल में समय कैसे काटा, क्यों आपको जेल में ले गए, आप क्यों जेल गए, आपको उस समय बच भी सकते थे, आप भाग क्यों नहीं गए, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस उसके मन में हुआ करते थे। उसको ड्रेसिंग का बड़ा शौक था। ड्रेसिंग में मतलब पैंट और शर्ट जैसे मैच होना चाहिए या उसकी जो भी यूनिफॉर्म है, उसके दिमाग में था कि मुझे ये यूनिफॉर्म ही पहनना है, इसके साथ ये शूज़ पहनने हैं, इसके साथ वो चीज़ पहननी है। तो मुझे लगता था कि ये ऐसा क्यों करता है, बच्चों को तो जैसा भी पहना दें पहन लेते हैं। और उस समय इतनी कोई बात नहीं थी, लेकिन उसमें ये था कि बाहर जब निकलना है तो अप टू डेट होकर के निकलना, अच्छे से निकलना। उसके बाद जब स्कूल उदयपुर आ गया और स्कूल उसको रखा
तो पहले यहाँ पर एक छोटा स्कूल है वर्धमान पब्लिक स्कूल, उसमें रखा था। उसके बाद वो सेकंड से सेंट पॉल में पढ़ा 12th तक। उस समय जब सेंट पॉल में पढ़ता था तो उस समय उसको खेलने का भी शौक़ था, क्योंकि हमारा घर बहुत दूर था। तब भी वो मेरे से ज़िद्द करता कि पापा मुझे छोड़ के आओ। कई बार मैं छोड़ के आता था उसको, बैडमिंटन का उसको उस समय में शौक़ था तो बैडमिंटन खेलता था। उसके बाद उसको बड़ा हुआ तो साइंस फेयर्स वगैरह में लगते थे, तो उसको जब देखता था तो उसको लगता कि नहीं, मुझे भी ये चीज़ें कुछ बनानी है। और धीरे धीरे उसका टीवी चैनल्स पे, फालतू के चैनल वह नहीं देखता, नेशनल ज्योग्राफी चैनल है या डिस्कवरी चैनल है, इन चैनल्स को विशेष रूप से वो देखता था। यहाँ लोकल जो साइंस फेयर होते हैं उसमें उसने अपना एक लोकल रेफ्रिजरेटर बनाया, एक मशीन बनाई जिससे सामान को इधर से उधर मतलब शिफ्ट कर सकते हैं, तो ट्रॉली की तरह से उसने बनाया, अपने हाथ से सारी चीज़ें तैयार की। तो मैं भी सोचता था कि 9th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा इतना अच्छा एटीट्यूड है इसका। और जब वो कॉलेज में गया तो रोबोटिक्स में उसका इतना ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया कि फर्स्ट ईयर में रोबोटिक्स की क्लास एक कोई बाहर की कंपनी आई थी और उन्होंने 3 दिन का एक सेमिनार किया, तो उसने बेंगलोर से मेरे को फ़ोन किया कि पापा मैं रोबोटिक्स की क्लास और अटेंड करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल, तुम अटेंड कर सकते हो, अटेंड करो। जब उसने अटेंड किया तो वहाँ पर जितने बच्चे थे, चाहे वो फर्स्ट ईयर के थे, फर्स्ट ईयर के तो थे ही नहीं, वो अकेला ही था, लेकिन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के जो बच्चे थे उन सब में उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि वो जो वहाँ की जो कंपनी वाले लोग थे उन्होंने उसको कहा कि भाई तेरे में टैलेंट है और तू अपने समय के साथ साथ ये भी चीज़ सीख। तो उन्होंने उसको जहाँ भी सेमिनार लगते थे उसको बुलवाते और धीरे धीरे उसको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तैयार कर दिया कि भाई वो तू खुद ही डेमोन्स्ट्रेशन दे। NCC में भी मतलब वो एयरविंग में था और जब पहली बार ग्लाइडर उनसे उड़वाया तो घर पे आके जब उसने उसके की सारी रिपोर्टिंग की तो मतलब उसके मन में इतनी ग्लाइडर उड़ाते वक्त की इतनी खुशी हुई कि पहली बार मैंने पापा ग्लाइडर उड़ाया। वो पायलट की पूर्व तैयारी मेरे को लग रही थी, उस समय मुझे एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जब उसका इंजीनियरिंग करने के बाद में पायलट के पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट जब दिया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया तो उसका पूरा का पूरा बचपन से लेकर कॉलेज तक के एजुकेशन में जो उसके क्रियाकलाप थे वो सब घूम गए दिमाग में। और मैंने कहा ये क्या परमात्मा उससे यही तैयारी करा रहा था क्या कि इसमें इसका सिलेक्शन हो गया। तो करीब 26 या 27 घंटे का उनका कोर्स था, वो कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि आप सब में सबसे पहले कौन उड़ाएगा इस हवाई जहाज़ को, किरण को अकेले उड़ाना है। और फिर मतलब वो उस समय कोई नहीं बोला तो अभिनव ने कहा कि सर मैं उड़ाऊंगा। और उस अभिनव ने, क्योंकि ये सब हौसले की बात होती है व्यक्ति में कि वो कितना हौसला है, नहीं तो डरते हैं बच्चे पहली बार में उड़ाऊंगा कुछ हो जाएगा कर गए, लेकिन ये डर नहीं था उसको, उसने उड़ाया। पोस्टिंग भी मतलब मिलने के लिए उसके पास चॉइस थी कि भाई वो कहाँ लेना चाहेगा, तो अंडमान निकोबार में भी उसके लिए चॉइस थी और विशाखापट्टनम में भी चॉइस थी और गोवा भी थी, और उसको प्रायोरिटी से भरना था कि आप कहाँ पोस्टिंग चाहते हो। और मेरे से जब उसने पूछा तो मैंने कहा बेटा तू गोवा ले ले, गोवा अपने नज़दीक है और कभी तू भी आ सकता है और कभी हम भी आ सकते हैं। उड़ान से आवे तो मेरे को मतलब बताता नहीं है कि क्या क्या कुछ भी होगा तो सेना वाले वैसे सूचना दे दें। 10:30 बजे उसका उड़ान वापस खत्म हो रही थी तो हमने बात ही नहीं की, मैंने कहा वो आ गया होगा, फिर हम तो सो गए। 12 बजे थी फोन आया वहाँ से। मार्च 15 की घटना है,
कि 12 बजे रात को फ़ोन आया कि आप अभिनव के पापा बोल रहे हैं, और हमने कहा जी हाँ। तो कि अभिनव जिस हवाई जहाज को या डोनियर को उड़ा रहा था वो डोनियर मिसिंग है, और आप तत्काल गोवा पहुँचो। तो सन्न रह गए हम लोग कि अभी बात की उससे, और उसने कहा मैं वापस आके बात करूँगा, और बात ही नहीं कर पाए। खैर जैसे भी हो गोवा गए, और वहाँ उसकी जो सर्च वर्च 27 मार्च को उसको रिकवर किया था, और रिकवर होने के बाद में फिर हम इधर आए, और 29 मार्च को उसका फाइनल हुआ। लेकिन वो लास्ट केवल बात थी कि पापा मेरी शॉर्टी है, और शॉर्टी से लोड करके आता हूँ और बात करता हूँ। देट वॉज द लास्ट शॉर्टी फॉर हिज लाइफ। हम बात कर रहे थे उससे अभिनव से, जो अंकल लोग मेरी बात कराओ, उनके कहा दूर लेके आ गए पापा को, तो कि पापा दूसरा मकान ले लो आप तो, और मारे जाओ जल्दी से, लोगों को निर्णय लेना हो तो उम्र कितनी है, आप डिसीजन नहीं लेते फटाफट डिसीजन ले लो, दूसरा ले लो मकान। मैंने कहा तो कहा गाड़ी लेने को कह रहा था जो ली नहीं गया, उनके आप मकान ले रहे हो तो मैं गाड़ी की बात कैसे करता फिर, इसलिए गाड़ी अभी पोस्टपोन कर दिया, आप तो पहले मकान देख लो नया, उसके बाद गाड़ी लूँगा। तो 22 तारीख को लास्ट बात हुई थी, बस ये लास्ट 22 तारीख की बात हुई थी। इसको पता नहीं, उसको फुर्सत नहीं थी, हमें भी थोड़ी, मैं भी उस फ्लाइंग में चल रही थी जो उस दिन बात करी नहीं थी, इसको लेट हुई थी रात को, तो 24 को ऐसे चाहती हूँ मैं, ये बजे का बेटे से बात की है मैंने, ये मैंने कहा वाला बहुत फोन यही बैठी हुई थी, मैं खाना खा रही थी, और मैंने खाते खाते बाहर फोन लगाया, उसने बात ही नहीं की। धन्य जवान थी, धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मदरासी, कोई गुरखा कोई मदरासी, सरहद पर मरने जो शहीद हुए हैं उनकी, जरा याद करो कुर्बानी। ये तो सत्य है कि चौराहे, रोड, भवन, सरकारी भवन, इन सब पे किसी न किसी के नाम लगते ही हैं। और कई बार मैंने देखा कि राजनेताओं के नाम पर ज़्यादा नामकरण किया जाता है, क्योंकि उससे उन पार्टियां चलती है, उनका सारा उससे जुड़ाव रहता है। और मैं ये मानता हूँ कि उन लोगों का देश के लिए काम रहा है, तो नेचुरली उनको भी आने वाली पीढ़ी जाने और याद करे, तो उनके नाम पर तो हुई। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि जो देश के लिए असली हीरो हैं, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, और जिनकी वजह से देश खुशहाल है, सुरक्षित है, और यदि वो शहीद होते हैं और उनके नाम को अमर करने के लिए अगर कुछ भी नहीं किया जाता है, तो कष्ट तो स्वाभाविक ही है। अभिनव के भी लगभग 2 साल हो गए, हम लोग ये प्रयास में थे कि भाई जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ योजनाएं हैं, जैसे कारगिल पैकेज वगैरह, तो उसके अंतर्गत स्कूल का नामकरण वगैरह का रहता है, तो ये प्रस्ताव भी यहाँ से पंचायत से स्कूल से और सारे बने, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग गया। और अभी पिछले 15 दिनों से मैं वो माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ से निदेशालय बीकानेर भिजवाया गया, और उसमें थोड़ी सी कोई एक पेपर पे साहब के साइन रह गए थे, इस वजह से वापस उसको साइन करवा के अभी भिजवाया है। आज वो वहाँ बीकानेर बात हुई मेरी, पहुँच गया है, और अब बीकानेर वाले गवर्नमेंट को शिक्षा सचिव के यहाँ पर भेजेंगे, और वहाँ से फिर गवर्नमेंट
उसका प्रोसेस पूरा करेंगे तो वो हो जाए। लेकिन कई बार ये होता है कुछ चीज़ें जो स्थानीय स्तर पे होनी चाहिए, जैसे हम लोग यूआईटी एरिया में हैं तो ये यूआईटी का भी कर्तव्य बनता है और वो लोगों की बॉडी है अपनी कि अभिनव के नाम पे कोई रोड, जैसे पंचायत ने एक प्रस्ताव पास किया था कि भाई ये भुआना प्रताप नगर बाईपास है ये शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव के नाम पर किया जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब उसमें यही है कि भाई कौन दौड़े, और दूसरा ये भी होता है याद दिलाने वाली बात है कि याद कौन दिलाए, लेकिन आज आप पूछ रहे हैं तो बता रहा हूँ। ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी के नामकरण के लिए भी पंचायत ने प्रस्ताव ले रखा है कि भाई शहीद लेफ्टिनेंट अभिनव के नाम से ये कॉलोनी बने, लेकिन वो अभी प्रस्ताव पंचायत तक ही रह गया है और यूआईटी ने नहीं लिया। लेकिन मैं चाहे यूआईटी हो चाहे नगर परिषद हो, इन दोनों बॉडीज़ से मेरा आपके माध्यम से आग्रह यही रहेगा कि ये लोग इस पर डिसीजन लें। जब भी कोई शहीद होता है तो बिना किसी पॉलिटिक्स के, बिना किसी विवाद के उसके नाम पर, मतलब उनको खुद को डिसीजन लेना चाहिए परिवार वालों से क्या पूछना और क्या कहना, क्योंकि वो परिवार का बच्चा तब तक था जब तक वो सेना में नहीं गया, और सेना में जाने के बाद तो वो देश का बच्चा हो जाता है, और शहीद होने के बाद तो फिर वो मतलब सबके पूरे देश के लिए ही उसने शहादत दी, अपने कोई माता पिता के लिए नहीं दी। माता पिता तो बेचारे वो जैसे यूँ देखें तो हमारा तो बुढ़ापा ही मतलब छिन गया, बेटा था और चला गया, लेकिन अगर उसके नाम से कुछ होता है तो बहुत ही बेहतरीन रहता है। और जितने भी शहीद हों, ये निर्णय पक्का निर्णय होना चाहिए कि भाई आप कोई भी शहीद हो तो हम उसके नाम से रोड है, कोई भवन है या और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, उद्यान है, किसी का भी नाम रख सकते हैं। और उदयपुर में तो आज की तारीख में पहले श्री रतनलाल मीणा करके हुए तो वो उंद्री के थे, उंद्री के स्कूल का नाम उनके नाम पे कर दिया। अभी अभिनव नागौरी और उससे पहले अर्चित वड़िया जी दोनों लेफ्टिनेंट थे और शहीद हुए, लेकिन दोनों के नाम पे अभी तो कुछ भी नहीं हो पाया। जो नेता लोग हैं खासतौर से उनसे निवेदन करूँगा कि बिना किसी पॉलिटिक्स के जो जब भी कोई शहीद होता है तो किसी का भी बेटा हो वो उसके नाम पे कुछ न कुछ जरूर करें ताकि वो अपनी उदयपुर की एक अमर कृति के रूप में सबको याद आए। दिर गए
उस मार्च महीने में होली थी, तो उस समय उन्होंने वहाँ उसी को इंचार्ज बनाया कि अभिनव इस होली का आयोजन आप करेंगे, और वहाँ पर उसने होली के लिए सारा पानी वानी और कलर और वो भी सारा इकट्ठा करके किया, और फिर उसमें बहुत मस्ती से सारे ऑफिसर्स होली खेले, और जिसके कई सारे फोटोग्राफ्स भी थे पहले जो उसने हमको दिखाए थे। उसके साथ साथ उसको कंप्यूटर का मास्टरपीस था वो, और कंप्यूटर में कोई भी काम करना हो, किसी भी ऑफिसर ने उसको कोई काम किया कहा तो मना नहीं करता, और उन कामों को बहुत अच्छे से और तरीके से करता था। खाना बनाने में उसको बहुत मज़ा आता था, जब कभी मान लो उनके कुक नहीं आया, पढ़ रहे थे तब, कुक नहीं आया तो कोई बात नहीं, मतलब वो दूसरे उसके साथी खाना खाने के लिए होटल में जाते, लेकिन वो आते जितने वो अपना खाना बना के खा लेता था, आधे घंटे में वो खाना बना के हाँ और खा लेता। जंगल में खिचड़ी पकाने खाना खाना था, किसी को कुछ आ ही रहा था, तो इसने लकड़ी इकट्ठे करके, तपेला वगैरह था इनके पास, तो इसने खिचड़ी इसने बना दी, और इसे लो मतलब पापड़ के, हालांकि मैं तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन पापड़ के लोई बनाने खाने का शौक था उसको, तो उनके मौसी आई उसकी एक बार, मेरे को टाइम नहीं मिलता, सर्विस में हूँ तो मैं तो नहीं बनाती पापड़ घर पर, तो कि मैं ऐसा लोई बनाओ, तो लोई बना के तो मासी लोई बना के बताए जैसे, और उसको पूरा बता दिया कि ऐसे ऐसे आटा मिला के तू लोई बना, तू भी बना सकता है, तो कितनी बार वो पापड़ की लोई उसने, बाद में सेना में जाने के बाद उसको टाइम नहीं मिला, उसके पहले जब भी छुट्टी में आता तो एक बार पापड़ की लोई जरूर बनाता, फिर पिज्ज़ा पिज्ज़ा बेस खुद तैयार कर लेता, पिज्ज़ा बेस बना के पिज्ज़ा सबको खिलाने का, पड़ोसियों को सबको, कोई भी चीज़ में बनाती कि मम्मी आज क्या बनाया, जाजरिया बनाया, चलो मैं दोस्त के लिए जाए खाऊँ यार, तो मैंने मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, गली में पूरी गली में उसको सबसे दोस्ती थी उससे, किसी का भी काम उसने जीवन में मना नहीं किया, कि इसका काम हॉस्पिटल जाना, कि बाजार से सामान लाना, हर व्यक्ति का काम, हर व्यक्ति उसके साथ खड़ा होता था, कि जैसे हमारे बेटा है, जैसे वहाँ से आता इंजीनियरिंग की छुट्टी होती आता, तो बेग सीधा दोस्त उसके घर लेके चल जाते, मैं बाहर खड़ी हूँ तो पड़ोसी के वहाँ दोस्त था उसका जो वहाँ चल जाता, बेग ही वहाँ लेके चल जाते वो सब, तो उसकी दोस्त की दादी एक दिन कहती थी उनकी, उसकी मम्मी तो कुछ कहती नहीं है, सीधा अपने घर आ गया, तो भी मैंने कहा उसको अच्छा लगे जो अपने क्या, फिर वहाँ से जाके फिर मेरे घर आता, पहले उसने कहा कि पापा मेरे को आपने कुछ सिखाया नहीं बचपन, मैंने कहा आप सीख ले, अब क्या तेरे पास टाइम है, अब तो जो तेरे को सीखना हो अभी सीख ले, फिर गिटार खरीद के ले गए यहाँ से, वो भी पड़ा है हमारे पास, और गिटार बजाना सीखा और परफेक्ट गाने वो बजा लेता था, और जोशी जी के घर की मैं वो आए आपसे मिलने, मतलब मिलने के दो बोले वो, क्योंकि वो बच गए, और वो कोई बड़ा दुख था तो वो एक बार मिलने आए थे हमसे, तो उन्होंने कहा कि मैं 10 दिन पहले मेरे घर पे गिटार बजा के सुना के फिर गया था। यहाँ पर भी शहीद की शहादत हुई सियासत का शिकार। जी हाँ, किसी भी सिपाही की शहादत के उपरांत हमारे अंदर कुछ दिनों तक देशभक्ति का तूफान घूमता है, कुछ दिनों तक सरकारी फाइलों में, प्रस्तावों में, नेताओं की घोषणाओं में, वादों में ही वो शहादत सिमट के रह जाती है। शहीद के शहादत का मूल्यांकन किसी मुआवजे के साथ नहीं किया जा सकता। शहीद का परिवार आप देख सकते हैं किस प्रकार उस शहीद के मान सम्मान और आत्मगौरव के लिए लड़ रहा है। आज वो एक सरकारी स्कूल या किसी भी सरकारी भवन का, एक सरकारी सड़क का नामांकन एक शहीद के नाम पर करने की मांग रख रहे हैं। वे किसी एक चौराहे पर, उदयपुर शहर के एक चौराहे पर शहीद अभिनव नागौरी की प्रतिमा की स्थापना की जाए उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है केंद्र सरकार की ओर से कि एक अलग से ऐसा एक मंत्रालय बने जो सिपाहियों की शहादत के बाद में उन परिवार की सुध लेता रहे और शहीदों को पूर्ण रूप से उनका मान सम्मान मिलता रहे। इस शहीद की माता के आंसुओं का हम कोई भी, उनके दर्द का हम मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। उदयपुर टुडे की ओर से इस शहीद की माता की वात्सल्यपूर्ण भावनाओं को प्रणाम और पिता को शत शत अभिनंदन। जय हिंद।